실수 이내에 회사는 영원하지. 매 회사는 영원해 동가. मेरे पास जादू की छड़ी होती तो इन सारी तिरंगियों की लड़कियों में जान डाल देता, तो सब के सब मेरी बात नहीं होती। क्या मजा आता। अरे कब तक अंदर बैठने का विचार है? जब भी मूड बनता है पत्नी जी को दौरा पड़ जाता है। पता नहीं घंटों बाथरूम में बैठकर करते क्या है। क्या आंखें चिल्ला रही हो भाई, आराम से हल्का भी नहीं होने दोगी क्या? एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम बाथरूम में बैठकर करते क्या हो तो फिर। अरे भगवान, हमारी शादी को 35 साल हो गए, जब देखो शक करती रहती हो यार। कभी हमारे साथ प्यार भरी बातें भी तो किया करो। हा? हम बचपन के क्या हो गए, तुमने तो हमारी रोमांस की दुकान ही बंद कर दी। चलो मौका अच्छा है, इस लड़ा पे। अरे चलो हटो, कुछ तो शर्म करो। इस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं और तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ वासना और जुबान पर गंदी बातें ही रहती है। यानी किस मिट्टी के बनी हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हाँ, नाश्ता तैयार है, इससे पहले कि ठंडा हो जाए जाके कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे पापा जी, आप यहाँ? तुम इस साड़ी पहनकर बहुत अच्छी लग रहे हो, इसलिए तुम्हें पास आकर देखने लगा। वैसे आज तुम्हारा देवर आ रहा है, भाभी को तो सजना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं? अरे पापा जी, राजेश का फोन आ रहा है, मैं उठा लेती हूँ। हेलो, मिल गई आपको फुर्सत? सॉरी यार, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो जाओ, माफ किया। अगले महीने घर आ रहे हो ना राजेश, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं कुछ करता हूँ। राजेश 2 साल हो गए हैं, मुझे भी आपकी याद आती है। ठीक है, आगे से हम आपको आने के लिए कभी बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? अरे बहू, राजेश का फोन आया, मुझे बात करा। हाँ हेलो राजेश, क्या बात है, आजकल तू बहू को बहुत तंग कर रहा है। अगर तू अगले महीने घर नहीं आया ना, तो बहू के साथ साथ तेरी माँ भी तुझसे बात नहीं करेगी। अच्छा ठीक है माँ, सब लोग मिलकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, अगले महीने आ जाऊंगा। अच्छा मैं रखता हूँ, बाद में फोन करूंगा, बाय। चल ठीक है, बाय। बहू तू चिंता मत कर, और अगले महीने वो घर आ रहा है, अब तू चल के नाश्ता कर ले, वरना मैं तुझे भी डांट लगाऊंगी। चल। मैं तो आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रही थी, माँ के बिना बेटी कैसे नाश्ता कर सकती है, साथ में करते हैं चलो। वैसे आप बड़ी खुश दिखाई दे रही है। हाँ। छोटा बेटा जो आ रहा है आपका, लगता है प्रमोद आ गया। अरे बेटा तू आ गया, कब से हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। अब यही खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा?
बेटा ये लड़की कौन है तेरे साथ में? माँ ये आपकी बहू प्रियंका है। हम लोगों ने एक दूसरे से दिल्ली में मिले थे, वहीं प्यार हुआ, फिर हम लोगों ने शादी कर ली। माफ कीजिएगा, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, आप लोगों को बताने का मौका ही नहीं मिला। इतनी भी क्या जल्दी थी? हाँ अरे माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारी शादी को लेकर मेरे भी कुछ अरमान थे। माँ मैं जानता हूँ आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र थी, पर मैंने तो आपका काम आसान कर दिया ना बहू लाके। अब आप आराम से अपने सारे अरमानों को पूरा कीजिए। एक बार देखे तो अपनी बहू को, आपके लिए कितनी प्यारी बहू लेके आया हूँ। माँ गुस्सा छोड़िए ना, मान भी जाइए, अब अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दीजिए प्लीज। अरे शीला तुम्हारा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, आजकल के बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं, और हमने छोटी बहू को तो आते ही पसंद कर लिया, मेरा मतलब स्वीकार कर लिया था। देखो देखो कितनी प्यारी और सुंदर बहू है ना। अरे बहू की जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में, मतलब सास ससुर के दिल में होती है। भाभी माँ को समझाओ ना आप। माँ जी अब मान भी जाओ ना, जो हुआ उसे भूल जाओ, देखो ना कितनी प्यारी है, हम इसे स्वीकार कर लो और जल्दी से अपना आशीर्वाद दे दो। अरे एक तो बिना बताए शादी कर ली और ऊपर से बहू को इन छोटे कपड़ों में यहाँ लेकर आ गया, अगल बगल वाले लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन हमको आने से पहले एक बार खबर तो कर देता। अरे कम से कम कुछ नहीं तो बहू के स्वागत के लिए हम कुछ तैयारियां तो करते। माँ आप चिंता मत कीजिए, प्रियंका ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचेगी, बस आप अपनी छोटी बहू को अपना लीजिए। अरे तुम लोग यही सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे भाई चलो अंदर कुछ चाय पानी हो जाए, हमारे घर में पहली बार छोटी बहू आई है, उसका मुंह तो मिठा करो, है ना? तब तक मैं कमरा सजवाता हूँ। आ बेटा आते। वाह बेटा प्रमोद, क्या अप्सरा लाया है तू, इस फूल का रस चखे बिना तेरा बाप नहीं रह सकता। छोटी बहू की आज इस घर में पहली रात है, इस रात को मैं यादगार रात बना दूंगा। अभी तो शुरू किया है, चलो ना कुछ और ट्राई करते हैं। सच में थक गया हूँ यार, अब नहीं होगा मुझसे। प्रमोद तुम्हारा रोज का हो गया है, कोई मर्दाना प्रॉब्लम है ना तो डॉक्टर को जाके दिखा दो, ये रोज रोज का मुझसे नहीं ठेला जाएगा। पैसों की कमी की वजह से तुम मेरी जरूरतें तो पूरी कर नहीं पाते हो। पत्नी सुख, पत्नी सुख भी अच्छे से नहीं देते। देखो प्रियंका, अगली बार से मेरी मर्दानगी पे सवाल मत उठाना। ऐसी मर्दानगी का क्या फायदा जो अपनी पत्नी को पत्नी सुख भी ना दे पाए। कुछ सीखो अपने पापा जी से, बचपन के हैं लेकिन 25 साल की लड़की का जोश रखते हैं वो। मेरा बेटा होके एक लड़की के सामने हार गया, लेकिन बेटा घबरा मत, मैं हूं ना, वैसे भी छोटी बहू को हमारे अंदर का जोश दिख गया है,
अब मना के कोई फायदा नहीं है। पापा जी आप, मुझे लगा प्रमोद है। अब पीछे प्रमोद हो या हम, बात तो एक ही है ना छोटी वो। मैं समझी नहीं। इसका मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, पहले बता कि तुम्हें क्या हुआ है। हमारी फूल जैसी बहू मुरझाए मुरझाए सी लग रही है। क्या तुम्हें तो मुझसे कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें वो खुश नहीं रखता? ये सब बातें इन्हें कैसे पता है? अब कहना क्या चाहते हैं? अरे वो क्या है ना बेटा, कल रात तुम्हारे दोनों के कमरे से कुछ झगड़ने की आवाज आ रही थी, मुझे लगा प्रमोद की वजह से तुम नाराज हो, तो हमसे रहने गया, इसलिए तुमसे पूछ लिया। देखो अगर कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के हमें बता सकती हो, हमारी छोटी बहू की हर तकलीफ को चुटकियों में दूर कर देंगे। हाँ क्या सोच रहे बहू, हमें बताओ, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। अरे बेटे सॉरी पापा, प्रियंका बिना आपकी बात का जवाब दिए चले गई। कोई बात नहीं बेटा, छोटी बहू इस घर में नई नई है ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पापा कुछ बात कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे तुमसे, और तुम हो कि बिना उनकी बात का जवाब दिए यहां चली आई। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? प्रियंका तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें यहां इस घर में किस लिए लाया हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम सबके सामने अच्छी बहू बन के रह सको। कुछ ऐसा करो कि सबको अपने फेवर में ले सको, ताकि कल को अपनी बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर पापा से मुंह मांगी रकम ले सको। अपना मकसद पूरा हो जाएगा फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, पर ऐसा तो तभी होगा ना जब तुम सबको यहाँ खुश रखोगे। मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं आई हूँ। अरे तुम पति हो मेरे, तुम मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हो, मैं तुम्हारे परिवार को कैसे खुश रखूंगी? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम शरीर और बाहर दोनों तरफ से कंगाल हो, कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। अरे तो सीखो अपने पापा जी से कैसे अपने पार्टनर को मनाते हैं। सुबह राजेश का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें बिजनेस बनाने के लिए कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो ठीक है, राजेश को बोलना कि अपने पापा से बात कर ले, पैसे मिल जाएंगे। मम्मी जी आप तो जानती हैं ना पापा जी से पैसे लेना कितना मुश्किल है, अब मैं तो कोशिश कर रही हूँ लेकिन 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 क्या? लेकिन पापा जी फ्री हो तब तो मैं बात करूँ ना, जब से ये नई बहू आई है दिन रात सुबह शाम बस इसी की आवभगत में लग रहते हैं। अरे छोटी बहू प्रियंका कहाँ हो, जल्दी आओ हमारे पास। जी पापा जी बुलाया आपने। बहू तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना, तो आज हम अपनी छोटी बहू को एक सरप्राइज देंगे। वैसे भी नई नई इस घर में आई हो तो हमने अभी तक कोई तोहफा नहीं दिया, और बिना दिए हम चुप बैठेंगे भी नहीं, क्यों भगवान? ये देखो। बहुत खूबसूरत हार है ना, सुंदर? हाँ मम्मी जी ये तो मेरे को आपका हार लग रहा है। लग नहीं रहा है, ये हमारा ही हार है। ये तो अपना खानदानी हार है, फिर इसको देने से पहले एक बार आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अब इसमें पूछने की क्या बात है भगवान, हमारी छोटी बहू नई नई इस घर में आई है, अभी हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगी। वैसे अब देखा जाए तो इस हार पे
किसी का ही हक हुआ ना। पर कम से कम एक बार देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे इसमें पूछने की क्या बात है भाग्यवान, अब सारी बातें यही करोगी। प्रमोद की माँ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, जाओ अपने कमरे में जाओ और अपनी दवा ले लो, जाओ यहाँ से। बड़ी बहू एक गिलास पानी लाना, तो हमारा गला सूख रहा है। लाई। कैसा है बहू? बहुत प्यारा। तो फिर अपने सुंदर गले में पहन लो ना। लाओ मैं पहना देता हूँ। पापा जी मैं पहनूंगी जरूर, लेकिन अपने रूम में जाकर। थैंक यू इतना प्यारा सरप्राइज देने के। पापा जी पानी लाओ। पापा जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? वो राजेश का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है। दस लाख ठीक है, पर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या मतलब है आपका? मतलब राजेश कोई बच्चा नहीं है, वो खुद कमाता है, बिजनेस कर रहा है। अगर ऐसे में हम उसको 10 लाख रुपए देंगे तो फिर हमारा भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। काम वही करना चाहिए जिसमें फायदा हो। तो किस फायदे से आपने अपनी छोटी बहू को 5 लाख रुपए का नेकलेस दे दिया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये पापा जी कि जिस दिन से प्रियंका इस घर में आई है उस दिन से आप उसको कोई ना कोई तोहफा दिए ही जा रहे हैं। तो ये आप बिना फायदे के तो नहीं कर रहे होंगे ना, क्योंकि बिना फायदे के तो आप कोई काम ही नहीं करते। ठीक बोल रही हूँ ना मैं? अरे वो इस घर की छोटी बहू है और नई नई इस घर में आई है, तो उसका तो हक बनता है उस तोहफे पर। बस कीजिए पापा जी, अगर आप इस भ्रम में हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं भी जब इस घर में नई बहू बनकर आई थी तो आप मुझे भी काफी तोहफे देते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इसके पीछे आपका मकसद कुछ और था। देखो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, बड़ी नहीं, कुछ भी कहने से पहले जरा सोच लेना, ऐसे हमें बदनाम मत करो और पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। जाओ कह दो अपने पति को, जाओ निकलो यहां से। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पापा जी ने मुझे इतना महंगा हार दिया है, पूरे 5 लाख का हार है। एक बात तो है, जब से मैं इस घर में आई हूँ पापा जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं इस घर में नई हूँ। बढ़िया है यार, तेरी तो लॉटरी लग गई। लगता है पति देव से ज्यादा ध्यान तेरे ससुर जी रखते हैं। जिंदगी के असली मजे तो तू लूट रही है अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट होकर। ऐशी ऐश है तेरी। एक हम है जो दिल्ली से लखनऊ आ गए अपने पति के साथ में। सोचा था कुछ चेंज होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। बस पापा जी हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं। देख तेरी जरूरतों का ख्याल तेरे ससुर जी भी रखते हैं। अगर तू अपने लाइफ में एक पार्टनर ढूंढ लेगी तो तेरी कामना भी पूरी हो जाएगी। अब मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ। पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
बहू क्या है ना कि मेरे बाथरूम का नल खराब हो गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। और मेरे कपड़े? ये तुम्हारे पहनने वाले कपड़े नीचे गिरे हुए थे, मैं इसे उठाकर ऊपर रखने वाला ही था, उतने में तुम आ गए। हमारे दोस्त के पास में ही लेडीज के कपड़ों की दुकान है, अगर तुम चाहो तो अलग अलग डिजाइन कपड़े मंगवा सकती हो। थैंक यू पापा जी, पर अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब होगी मैं आपको बता दूंगी। जब भी मुझे इनकी जरूरत होती है तब इन्हें नींद आ जाती है। छोटी बहू, हम जानते हैं कि तुम प्रमोद से खुश नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम किस खुशी से वंचित हो। हमसे भला बेहतर इस घर में तुम्हारी तकलीफ को कौन समझ सकता है। हम तो उसी दिन तुम्हारा उदास चेहरा देखकर समझ गए थे, हम भले 55 के हो गए लेकिन हमारा दिल और शरीर आज भी 20 साल के लड़के से कम नहीं है। देखो, तुम हमें अपना समझो और खुलकर बताओ कि बात क्या है, तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। पापा जी, जितना आप मुझे समझते हैं प्रमोद नहीं समझते। हम पत्नी हैं उनकी, लेकिन आज तक पत्नी सुख नहीं दिया। हमारे लिए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में तो वो सोचते तक नहीं है। मैं जानता हूँ वो थोड़ा कमजोर है इसलिए जल्दी थक जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। छोटी बहू, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इतनी प्यारी लड़की की जिंदगी हमारे सामने बर्बाद होते हुए हम कभी नहीं देख सकते। अब ये क्या बोल रहे हैं पापा जी? किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, घर की बात घर पे रह जाए। देखो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी संभल जाएगी, हो सकता है आगे चलकर तुम्हारे और प्रमोद के बीच में कलेश होगा और तुम उसे छोड़कर किसी और मर्द के पास चली जाओगी, उससे इस घर की बदनामी होगी। और उसमें गलत क्या है? तुम राजी, हम राजी, बस बात खत्म। आज की रात नहीं तुम्हारे पास, अच्छे से सोचना, और कल तुम्हारे चेहरे की खुशी से मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजी हो कि नहीं। भगवान, सोना नहीं क्या? हाँ हाँ। मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। क्या बात है, आजकल हमारा बड़ा ख्याल रख रहे हैं। पत्नी की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है, और ये सेवा हम पूरे तन मन से कर रहे हैं।
तुम जल्दी से दवा ले लो और आराम से सो जाओ। ये कौन सी नई दवाई है? ये दवाई तो हमने पहले कभी नहीं खाई। अरे वो क्या है कि मैं एक नए डॉक्टर के पास गया था। अच्छा। उसने कहा कि तुम्हारे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से दवा ले लो और सो जाओ। गिलास रख दीजिए। अब आप सो जाइए। इस दवा से तुम्हारा दर्द तो नहीं लेकिन गहरी नींद जरूर आ जाएगी। तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? वो मम्मी जी के सिर में दर्द था तो मैं दबाने आ गई। अच्छा, रात काफी हो गई, अब सो जाओ। मम्मी जी के सिर में दर्द था तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर चल क्या रहा है इस घर में? नींद की दवाई? माँ जी ने कभी बताया नहीं कि वो नींद की दवाई भी खाती है। पापा, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, यही कोई 15 लाख रुपए। पापा जी, मैंने आपसे बात की थी ना इस बारे में। छोटी बहू के कहने पर हमने पैसे का इंतजाम कर दिया है, एक दो दिन में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। थैंक यू पापा। वाह पापा जी वाह। जब आपके बड़े बेटे ने आपसे पैसे मांगे तो पैसे नहीं थे आपके पास, लेकिन छोटी बहू के कहने पर प्रमोद भैया को पैसे दे रहे हैं आप। बड़ा अच्छा भेदभाव है दोनों लड़कों के बीच में। आवाज नीचे करके बात करो बड़ी बहू। जानते हो किससे बात कर रही हो? हम जिसे चाहेंगे देंगे। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, जितना हक प्रियंका का इस घर पे है उतना हमारा भी है। मैं देख रही हूँ जिस दिन से ये इस घर में आई है अब दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ऐसी आप मेहरबान नहीं है इस पर। भाभी, ये क्या नाम सुना बोल रही हैं आप?
माफ कीजिए भैया, मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता, लेकिन जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ कहिए, वो किस सच की बात करें? आपको सच सुनना है ना, तो सुनिए। आपकी बीवी और हमारे ससुर जी के बीच में नाजायज संबंध है। बस भाभी, ये क्या बकवास कर रही हैं? अपनी हद में रही, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी। मैं जानती थी कि आप मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए दवाई, ये दवाई रोज पापा जी मम्मी जी को खाने के बाद देकर सुला देते हैं। ये नींद की दवाई है, नींद की। इसको खाके अच्छा खासा आदमी घंटों के लिए सो जाता है। उसके बाद ये दोनों उसी कमरे में गंदी हरकतें करते हैं। बड़ी वो कुछ भी बोले जा रही है और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? कुछ बोलोगे नहीं? बड़ी बहुत जो कुछ भी कह रही है ना, वो बिल्कुल सच कह रही है। अभी तक तो मुझे केवल शक था, आज ना मुझे पूरा यकीन हो गया है। और तुम्हें तो अपना पति कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और छोटी बहू, तुमने तो ना मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वहां आप सब लोगों को क्या हो गया? आप खामखा प्रियंका पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। रीटा भाभी, मैंने आपसे ज्यादा इस घर में इज्जत क्या कमा ली? मेरे पति आपके पति से ज्यादा लायक क्या होंगे पापा जी की नजरों में? आपने मेरे पिता समान ससुर के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। मैंने आपको अपनी बहन माना था और आप बंद कर अपना ये नाटक। तेरे जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ, अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, तो फिर ससुर क्या चीज है? बाहू, तो हमारे ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगाओगी तुम? अभी इसी समय हमारे घर से निकल जाओ, निकलो यहाँ से, और दोबारा लौट के आना मत। ला। अगर बड़ी बहू इस घर से जाएगी ना, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। चल बहू यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, और याद रखो दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, चल जाओ यहाँ से। छोटी बहू को अपने कमरे में ले जान। अच्छा हुआ सब चले गए, अब हमारे और प्रियंका के बीच कोई नहीं आएगा। सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
जी। किसने मार दिया मेरी पत्नी को? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने पिता का खून कर दिया? सर, दरअसल प्रमोद की बीवी और हमारे ससुर जी के बीच में नाजायज संबंध थे, इसी चक्कर में प्रमोद ने इनका खून कर दिया। ये देखिए ना, सबूत भी है मेरे पास। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसको ले चलो, और आप लोग जरूरत पड़ने पे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ले चलो। प्रमोद, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। देख क्या हुआ तेरी अय्याशी के चक्कर में, हाँ तेरी अय्याशी के चक्कर में सब कुछ खराब हो गया। अब मैं और मम्मी जी आ गए, तुझे चैन से जीने नहीं देंगे, तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। मैं मान नहीं सकती कि प्रमोद ने पापा जी को मारा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, प्रमोद को कैसे बचाऊं? अगर मैंने प्रमोद को नहीं बचाया तो रीटा भाभी और माँ जी मुझे नहीं जीने देगी। क्या करूं? छोटी बहू ने तो इस घर को बर्बाद कर दिया है, मैं ना इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैंने बुलाया इन्हें ताकि पापा जी के असली कातिलों को पकड़ सके। ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? नाटक कौन कर रहा है यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई आने की? चल जाओ यहाँ से। मम्मी जी की बेइज्जती और मेरे थप्पड़ का बदला भी बाकी है पापा जी। आप जैसे घटिया इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, समझ गए? मम्मी जी चलो, मम्मी जी चलो।
मम्मी जी चलो। क्योंकि आप लोगों ने ऐसा और आपने अपने बेटे को ही फंसा दिया। ये सच है कि हमने अपने पति की हत्या की है, लेकिन हम अपने पति की हरकतों से इतना तंग आ चुके थे और हम अपने बेटे प्रमोद को नहीं फंसाना चाहते थे। हम तो इस प्रेम का को सजा देना चाहते थे, लेकिन गलती से प्रमोद कमरे में आ गया और वो फंस गया। देखिए, मैं मानता हूँ आपके पति की गलती थी, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ले चलो इन दोनों को। पर इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे माफ कर, गलती हो गई मुझसे। प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो।